हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदावन मथुरा दान घाटी बरसाना नंदगांव जाने वाले सभी भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी कुछ खबरी लेकर मैं आया हूँ आज के इस वीडियो में। काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से मथुरा के वृंदावन के दान घाटी के बरसाना के नंदगांव के गोकुल के सभी मंदिर बंद थे इस कोरोना महामारी के चलते हुए, परंतु काफ़ी दिनों के बाद प्रभु ने हम सब भक्तों की सुन ली है और सभी भक्तों के लिए बुलावा आया है। जिन भक्तों को यह उम्मीद थी कि आखिर हम कब जाएंगे कृष्ण भगवान के दर्शन करने, राधा रानी के दर्शन करने, उन सभी भक्तों को इंतज़ार करने की ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी है और कौन कौन से मंदिर खुल गए हैं और कौन कौन से अभी बंद हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सभी मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ। मंदिरों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमेंट में आज राधे राधे ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप वृंदावन मथुरा ब्रिज जाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर खुल गया है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है आमजन के लिए। वहाँ पर जब भी आप अंदर प्रवेश करोगे तो आपका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और आपको सैनिटाइजर किया जाएगा, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर की, तो द्वारकाधीश मंदिर भी खुल गया है आमजन के लिए। वहाँ पे भी सभी तरह की व्यवस्था सुव्यवस्थित कर दी गई है, आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी और सैनिटाइजर किया जाएगा। फिर वहाँ से चलते हैं हम वृंदावन की तरफ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर अभी बंद है आमजन के लिए। वो इसलिए बंद है क्योंकि मंदिर का काम चालू है, वह इस मंथ के बाद वो भी खुल जाएगा। फिर रही अगले मंदिर की बात, तो वो है प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर भी आमजन के लिए खुल गया है, वहाँ पर भी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। और आप मथुरा वृंदावन जाना चाहते हो तो आराम से आइए, पूरी सेफ्टी के साथ आइए। अपने साथ मास्क लाइए, सैनिटाइजर लाइए, डिस्टेंस रखिए, अपना ख्याल रखिए और मथुरा वृंदावन भगवान के दर्शन करने आ सकते हो। काफ़ी भक्त आना चाहते हैं, मेरी प्रभु से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी ख़त्म हो जाए। अभी हम यहाँ से चलते हैं, ऑलमोस्ट सभी मंदिर खुल गए हैं, बट कुछ मंदिर जैसे कि बांके बिहारी मंदिर में काम चालू इसलिए नहीं खुला है। अभी हम चलते हैं दान घाटी यानी कि गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन पर्वत में सभी मंदिर खुल गए हैं आम भक्तों के लिए, वहाँ पर भी सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मंदिर में अंदर प्रवेश करोगे तो आपको सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, तो सैनिटाइजर हो जाएगा, थर्मल स्कैनिंग होगी आपकी और परिक्रमा तो वैसे चालू ही है, आप परिक्रमा आराम से कर सकते हो। परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर खुल गए हैं, निश्चिंत होकर आइए। आप राधे रानी का नाम लेकर आइए, आपको दर्शन हो जाएंगे, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको, बस सेफ्टी के साथ आइए। तो आप परिक्रमा कीजिए, मुखारबिंद के दर्शन कीजिए आप और दान घाटी के दर्शन कीजिए, सबके दर्शन आप आराम से कर सकते हो। अभी वहाँ से चलते हम बरसाना की ओर। बरसाना में कीर्ति मंदिर भी खुल गया है और राधा रानी ने भी दर्शन देना स्टार्ट कर दिया है। राधे रानी की कृपा से आज 6 महीने बाद राधा रानी के पट खुले हैं, तो आप जरूर आइए और दर्शन कीजिए, कोई किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था कर दी गई है सभी भक्तों के लिए, तो आप दर्शन कीजिए। फिर वहाँ से चलते हैं नंदगांव की ओर। तो नंदगांव में नंद बाबा का मंदिर भी खुल गया है, वहाँ के भी दर्शन आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सभी मंदिर खुल गए हैं, किशोरी जी और कृष्ण भगवान ने दर्शन देना स्टार्ट कर दिया है, तो आइए आप, स्वागत है आपका ब्रिज भूमि
में आप दर्शन कीजिए, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको। यह मंदिर सभी व्यवस्थाओं के साथ खोल दिए गए हैं, तो आइए दर्शन कीजिए आप। अगर आप मथुरा वृंदावन आना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ हम आना चाहते हैं। एक बार राधे राधे लिख देना, कमेंट में ज़रूर लिख देना। और बाकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हो आप, जैसे भगवान की कथाएं, वो सब कुछ इस चैनल पर देख सकते हो आप। राधा रानी के चमत्कार, कृष्ण जी के चमत्कार, ये सब वीडियो आप इस पर देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नीचे राइट साइड में लाल कलर का बटन है, उसको जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।